हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नीति। तो आज हम बना रहे हैं ताजी बड़ी की सब्जी या फिर पकौड़ी की सब्जी। तो बहुत इजी बन जाती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें हैं, वो बस आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप उसे बीच में छोड़ देते हैं तो रेसिपी हमारी गड़बड़ हो जाती है रेसिपी के अंदर। सो आप उसको पूरा देखें और बस कुछ चीजें याद रखें। बस ये है कि दाल हमारी ज्यादा फूली हुई होनी चाहिए, तब हम उसको मिक्सी में पीसें। तो उसमें हमें पानी नहीं यूज करना है, कम से कम बस 1 या 2 स्पून डाल सकते हैं, क्योंकि अगर दाल आपकी पतली हो जाती है तो हमारे पकौड़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे और फूले फूले नहीं बनेंगे। सेकेंडली, आप ऑनियन पसंद करते हैं गार्लिक तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। और थर्डली, ये बहुत ही इजी बन जाती है, बस थोड़ा सा आप इसको फेंट लें तो हमारे पकौड़े बहुत ही स्पंजी भी बन जाते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाउल मूंग की दाल, जो मैंने धुली हुई दाल ली थी और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसको भिगो दिया है। 5-7 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया और देखिए अभी अच्छे से फूल के रेडी हो गई है। और अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं। हाँ, हमें इसको इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, अगर आपकी मिक्सी में ये ना चले तो आप 2-3 स्पून इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसको हम बारीक पेस्ट इसका तैयार कर लेते हैं पीस कर। तो हम इसको डाल देते हैं मिक्सी में। ये मैंने पीस लिया है इसको, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक बारीक पेस्ट रेडी हो गया दाल का। ये देखिए, अच्छे से बारीक पेस्ट हो गया। मैंने इसमें 2 स्पून पानी ऐड किया था और ये हमने बारीक पेस्ट तैयार कर लिया। और हम अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब ये देखिए, हमारा अच्छे से दाल का पेस्ट रेडी हो गया है और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और जब ये हमारा अच्छे से फेंट जाएगा तब हम इसमें मसाले मिला लेंगे। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये हमारा फेंट कर रेडी हो गया है? तो उसके लिए आप एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम इस तरीके से पेस्ट डाल देंगे ये दाल का। और अगर ये हमारा बाउल में नीचे बैठ जाता है तो इट मीन्स ये रेडी नहीं हुआ है। और अगर हमारा दाल का पेस्ट ऊपर आ जाता है, पानी में तैरने लगता है, तो ये हमारा फिट कर अच्छे से रेडी हो गया है। तो हम इसको 5 to 10 मिनट्स इस तरीके से ही फेंट लेते हैं। ये हमारा फिट गया है और अभी हम मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे इसमें। और हम डालेंगे इसमें 1/4 हम हींग ऐड कर देंगे, साथ में 1 स्पून हमने स्मॉल साइज वाली स्पून है तो 1/4 ही समझिए मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून धनिया पाउडर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट्स हम इसको और अच्छे से फेंट लेते हैं। तो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले और अच्छे से फिट के रेडी हो गया है। आप एक बार बाउल में डाल के चेक कर ले, मैंने चेक कर लिया है तो ये बाउल पे ऊपर आ गया है पानी के, तो ये मीन्स फिट के तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में या पैन में आप गरम ऑयल करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना है, हम उसको गरम करके और हम उसको मीडियम कर देंगे, हाफ फ्लेम देख लेंगे आप। अच्छे से हीट आने लगी है, अब हम हाथ की हेल्प से थोड़ा थोड़ा मिक्स लेकर या बैटर लेकर इसमें इस तरीके से डालेंगे अपने मन चाहे साइज के अकॉर्डिंग। बड़ा साइज बनाना है आपको सब्जी में डालने के लिए पकौड़े तो आप ज्यादा मिक्स ले लें, और अगर आपको छोटे छोटे बनाने हैं तो छोटा छोटा मिक्स हाथ में ले लें। और इस हाथ की हेल्प से आप स्पून से भी डाल सकते हैं और आप इस तरीके से इस मिक्स को डालें और हल्का ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, बस गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेक लेते हैं। ये देखिए, हमारे अच्छे फूल फूल का पकौड़े रेडी हो गए ना ये दाल के।
ये देखिए कितने अच्छे बने हैं और बहुत ही स्पंजी भी बने हैं। तो हम इनको फूले फूले पकौड़े अपने निकाल लेते हैं इसके अंदर से, और अपने जितना भी हमारा बैटर है हम उससे इसी तरीके से सारे पकौड़े रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे, आप चाय पैन कढ़ाई कुकर कुछ भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 2 स्पून बड़ी वाली ऑयल डाला हुआ है, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें डाल लेते हैं 1 पिंच हींग डालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हम रेडी करेंगे सब्जी, और बहुत ही टेस्टी। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे फूली फूली पकौड़े अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसको हम फ्राई करके अलग रख लेते हैं, और अब हम पैन में जीरा और हींग जैसे हमने डाली हुई है इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा, क्या डालेंगे इसमें, मैंने लिए देखिए अदरक 1 इंच, उसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, और 1 हरी मिर्च बारीक काटी हुई है मैंने, वो डाल लेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 स्पून, और उसके साथ मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए बड़े वाले, जिसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, और हम इसको डाल देंगे। और अगर आप प्याज या गार्लिक पसंद करते हैं तो आप टमाटो से पहले प्याज या गार्लिक को फ्राई कर लें, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया है और सीधा टमाटो डाल दिया है। इसमें डालूंगी इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे हम इसमें, और 1/2 स्पून मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, और जब तक हमारा मसाला अच्छे से कुक नहीं होता हम इसको 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको इसी तरीके से पका लेंगे। आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आया है, और ऑयल भी छूट गया है इसमें, मसाले से अलग हो गया है। और अब हम यहाँ पे 2 स्पून लिए मैंने कर्ड, ये मैंने खट्टी दही ली है, और अब हम इसको डालकर चलाएंगे अच्छे से। हम चला लेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। घर पे जितने मसाले होते हैं उन्हीं से ही हम इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या होता है मोस्ट ऑफ हम मूंग की दाल खाना पसंद नहीं करते, और हमें खानी होती है या लगता है कुछ अलग सा हो, तो हम मूंग की दाल के इस तरीके से पकौड़े बनाकर हम उसकी सब्जी को बनाएं और बहुत ही टेस्टी बनाकर खा सकते हैं। देखिए अब हम इसे पानी ऐड कर देंगे। पानी आपको कम या ज्यादा अपने हिसाब से करना है। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी में खाना है तो थोड़ा कम पानी डालिए, और थोड़ा रेशे में खाना है तो थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजिए। तो मैंने तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 3 कप पानी लिया है, आप अपने हिसाब से देख लें। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे हम इसमें, और हम इसको ढक के छोड़ देते हैं जब तक इसमें उबाल ना जाए पानी में, तो हम इसको ढक के छोड़ देते हैं। इसे बॉईल हो गया है, और अब हम इसमें अपने जो पकौड़े हैं वो डाल देते हैं इस तरीके से। अच्छे से हम इसको चलाएंगे, और हम इसको एक उबाल आने तक तो हाई फ्लेम पे, और फिर 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के इस तरीके से छोड़ देंगे। 5 मिनट हम इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देना और कुक होने देना। वाव, आप देख सकते हैं 5-7 मिनट के बाद कि वाव कितनी देखने में भी बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बस आपको अपनी ग्रेवी कैसे रखनी है ये आपके अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि रेशे की है या थिक। मैंने थोड़ी रेशे वाली रखी है, क्योंकि जब हम अपने पकौड़ों को फोड़ फोड़ के उस रेशे में खाएंगे तो वो ऑलरेडी ही थिक हो जाएगी, और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने बाउल में निकाल लिए। अब आप चाहें तो इसको धनिया पत्ती से, और चाहे टमाटो से, चाहे
किसी और वेजिटेबल से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड चिली ली है और ये मैंने डाल दिया है, आप देख रहे हैं ना, रेड के साथ रेड कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बनकर रेडी हुई है। और आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ भी अलग से नहीं डाला है, सभी हमारे सामान घर पर ही मिल जाते हैं, कोई भी मैंने डिफरेंट नहीं, बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाई है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है। आप इसको फुलके, पूरी, पराठे किसी से भी खा सकते हैं और जब दिल चाहे तब ये आप बना सकते हैं। और ये हेल्दी भी है क्योंकि ये हमने मूंग दाल से रेडी करी हुई है। तो आप इसको चाहे ताजी बड़ी की वेजिटेबल बोल सकते हैं, चाहे पकौड़ी की सब्जी और चाहे बड़े की सब्जी, आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं और बना सकते हैं। तो आप इस सब्जी को बनाइए, खाइए, और आपको मेरी सब्जी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।